नमस्कार, अभी हमारे साथ सरफुद्दीन शायर हैं जो बहुत दिनों से शेरो शायरी करते हैं। आप देख रहे होंगे इनके उम्र से आपको पता चल रहा होगा कितने शेरो शायरी कर रहे होंगे। और शेरो शायरी जो वही करता है जिसके दिल जो है टूट जाता है, चाहे वो प्यार में टूटा हो या किसी भी चीज़ में टूटा हो, दिल टूटने के बाद वो अपने दर्दों को जो है बयां करते हैं एक शब्द के माध्यम से, जो शब्द सुन करके लोग जो है भावुक भी हो जाते हैं। तो अभी हमसे मुलाकात हुई है, फिर इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का शायरी लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, शेर सुनिएगा, माँ किसान में बाप किसान में, कि मैं चेहरा देखकर माँ की तबीयत जान जाता हूँ। मैं चेहरा देखकर माँ की तबीयत जान जाता हूँ, जरा सी बात भी उसकी खुशी से मान जाता हूँ। मैं चेहरा देखकर माँ की तबीयत जान जाता हूँ, जरा सी बात भी उसकी खुशी से मान जाता हूँ। अरे खुदा का शुक्र है तुम पर, तुम्हारा बाप जिंदा है। खुदा का शुक्र है तुम पर, तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं अपने बाप से मिलने भी कब्रिस्तान जाता हूँ। और एक शेर सुनिएगा कि जो अपने माँ बाप को आँख दिखलाते हैं उनके लिए एक शेर है कि जवानी के अकड़ में तैस खाकर बात करता हो। जवानी के अकड़ में तैस खाकर बात करता हो और बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। अरे खुदाया छीन ले उस शख्स से आँखों की बिनाई। खुदाया छीन ले उस शख्स से आँखों की बिनाई जो अपने बाप को आँखें दिखाकर बात करता हो। और माँ और बाप के शान में शेर सुनिएगा कि माँ की आँखों में जब अश्कों का गौहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवारों में डर लगता है। और धूप कितनी भी कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो सजर लगता है। और जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, हो अगर ताजमहल भी तो वो खंडहर लगता है। अरे पाँव फैलाऊँ मैं कैसे मेरी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है और रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर। माँ की आँचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। एक और चीज़ है, बड़ा लोग सोशल मीडिया पर रील्स बना रहा है और रील्स बना करके डाल रहा है। समाज में जो बेहयाई है तो आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, उसके लिए कुछ शायर वगैरह है आपके पास? आप देख रहे होंगे कि माँ बाप जो है, बहन उसकी रहती है, रील्स बनाती है, घूमता रहता है सोशल मीडिया पे, दुनिया देखती है। जो पर्दा का हुक्म किया गया है, पर्दा तो छोड़िए, ये बेहाई का एकदम कहेंगे कि एकदम चरम सीमा पर चल रहा है। बेहाई तो बहुत चरम, एक मोबाइल पर सिर बोलते हैं जी कि है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है। ठहर ठहर के वो ज़माने की बात करता है। अरे जो सलीके से अम्मा पारा पढ़ नहीं सकता,
जो सलीके से अम्मा पारा पढ़ नहीं सकता वो फेसबुक चलाने की बात करता है। जो अम्मा पारा सलीके से पढ़ नहीं सकता वो फेसबुक चलाने की बात करता है। अरे जियो का 4G आएगा और जाएगा, जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुमको टेंशन दिलाएगा, 3G 2G तुमको टेंशन दिलाएगा। अरे बसा लो इसके नबी अपने दिल के कंप्यूटर में, बसा लो इसके नबी अपने दिल के कंप्यूटर में, ये डाटा तुमको कयामत के रोज काम आएगा, ये डाटा तुमको कयामत के रोज काम आएगा।